जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं स्पेशली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मैं उनको वार्न करना चाहूँगा, थोड़ा सा गोर हो सकता है, थोड़े ग्राफिक इमेजेस आ सकते हैं, बिकॉज आई एम गोना गो टू द मीट मार्केट. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा सारे लॉज हैं जो कि मीट मार्केट बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं. मैं जब जाता हूँ मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ. एज एन आई एम अ वेजिटेरियन, पर मैं अपने डॉग्स या फिर अपने और एनिमल्स के लिए जितना भी कुछ नॉनवेज लेने जाता हूँ तो बहुत गलत चीज़ें बन जाती हैं, एंड इट्स रियली शॉकिंग. सो आई एल बी देयर, आई एम गोना बी देयर, या आई एल बी शोइंग यू ऑल अराउंड. यहाँ पर एक पास में एक लोकल मीट शॉप है, एज इन थोड़ा सा दूर है. मैं वहाँ पर तो एज सच नहीं जाता हूँ, बट टुडे आई एम गोना गो. Yeah, let's go. We are on our way to the meat. The meat market is very big, काफी ज़्यादा बड़ी. And you know Mr. Rahis, and he is Ankit. He is also being with us. He's a great friend. Rescues में काफी help करता है. So we are just gonna go. और ऐसी जगह पर हम group में ही जाना थोड़ा पसंद करते हैं, ताकि एक बंदा बेहोश हो जाए तो वो दूसरा बंदा संभाल ले. एनीवेज आई विल ट्राई कि मैं थोड़े से ग्राफिक सीन्स थोड़े से कम कवर करूं. क्या हियर वी गो. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस. एक्चुअली में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है, बट आई डोंट सी इट वर्किंग. लोगों को पता भी नहीं होता. आप किसी एनिमल के सामने दूसरे एनिमल को मार नहीं सकते हैं, इट इज़ रिटन इन द लॉ. पर एज यू कैन सी वो ऐसे भरे हुए हैं, और जहाँ पर भी नॉन वेज या फिर कोई भी मीट सेल होगा वहाँ पर देर शुड नॉट बी एनी ड्रॉप ऑफ ब्लड या फिर कोई भी फ्लैश और कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए. सिर्फ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना होता है, पर वहाँ पर हर चीज़ ब्लड खून ही खून में सनी हुई थी. एक और लॉ आता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया है कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन शुड बी, बट एज यू कैन सी वो बस स्टफ किए हुए हैं एक साथ सब के सब, और बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है. और इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो अंडे देकर आ जाती हैं, वो अंडे दे देती हैं. उन जितने भी आप अंडे खाते हैं, जितने भी एग्स आते हैं, ट्रेज आती हैं, वो उन्हीं के पास से आती हैं. उनको वो लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, उनको मेडिसिंस देते हैं, और जितना भी सब कुछ जो इन्हांस कर सके उनकी कैपेसिटी अंडे देने के लिए, एग्स देने के लिए, दे जस्ट डू दैट. और उसके बाद जब वो बुरी हालत में हो जाती हैं, व्हेन दे आर नॉट एबल टू ले एनी काइंड ऑफ एग्स, तो उनको भेज देते हैं वो यहाँ पर स्लॉटर हाउसेज में या मीट शॉप्स में. तो यहाँ पर वो फीमेल्स हैं, और आप देख सकते हैं उनका पीछे का हिस्सा कितनी ज़्यादा बुरी हालत में है. एक और चीज़ जो लोग करते हैं वो थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट हो सकती है. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. यहाँ पर जो आप ये रूस्टर देख रहे हैं, इट वेट अबाउट 9 किलोज और समथिंग, ऐसा कुछ उस आदमी ने मुझे बताया था. और ये इतने बड़े नेचुरली नहीं हो सकते हैं. ये वाली स्पीशीज, ये वाली जो ब्रीड है, दे आर ब्रॉयलर, ये इतने बड़े नहीं हो सकते हैं. पर इसको स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा और दवाइयाँ भी दी गई हैं जिससे ये बड़ा हो सके और इसका जो मीट है वो ज़्यादा हो सके और ज़्यादा निकल सके इसमें. तो इस वजह से इन लोगों ने स्टेरॉइड देकर इसको इतना बड़ा कर दिया है. इट इज़ रियली सैड टू सी ऑल दिस. मैं जितना भी नॉनवेज लाता हूँ वो सारा पैक्ड आता है मेरा. मैं अपने डॉग्स और अपने सिम्बा के लिए या फिर और फिशेज वगैरह जितने के लिए भी कुछ भी लाता हूँ वो प्रॉपरली हाइजीनिकली पैक्ड होता है. पर यहाँ जाना
was actually me very very bad. As you just see ki kaise wo unhone bhara hua hai sabko ek saath aur blood hi blood hai. ये जो वीडियो था वो एक्चुअली मैं चाहता था लॉज के रिगार्डिंग बात करना, पूरा लॉज पे होने वाला था, पर रहीस और मैं और मेरा जितना भी पूरा ग्रुप था, वी कुड नॉट हेल्प. हम चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाए. उसमें एक मुर्गी थी वहाँ पर जिसका मैं क्लोजअप लेना चाहता था और मैं उसके पास गया तो शी पोक्ड एट माय कैमरा. इट वाज रियली, आई डोंट नो, आई कुड नॉट एक्सप्लेन यू द फीलिंग. और ये चीज़ खास तौर से रहीस ने भी देखी. बाय द वे रहीस का जो रहीस प्लेस, ही इज हैविंग अ बिग प्लेस, उसके पास काफ़ी जगह है. और जितने भी बड़े बर्ड्स आते हैं हमारे पास या जितने भी बड़े एनिमल्स आते हैं रेस्क्यू के लिए, वो उसके पास ही रहते हैं. तो ऑब्वियसली वी कुड नॉट कंट्रोल आवरसेल्व्स और रहीस ने फाइनली ये कर ही दिया. ही गॉट द हेन आउट ऑफ द केज. And this is now what it looks like. हमने सोचा था उसका नाम मारिया रखते हैं, पर बहुत सारे लोग थे. इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था तो दे विल ऑल लाइक, आपने चिकन पाल लिया, चिकन पाल लिया. तो हमने उसका नाम चिकन रख दिया. शी इज ब्यूटिफुल, बिलीव मी. जहाँ पे भी आप जाओगे वो आपको फॉलो करती रहेगी, आपसे फालतू में वो बातें करती रहेगी. उससे बात करने वाली वीडियो भी मैं डालना चाहूँगा. आई वॉन्ट यू गाइज टू सी इट. शी इज़ ब्यूटिफुल. उसकी जो चोच थी, उसकी बीक थी, वो बहुत लंबी थी और वो कुछ भी खाना था वो उठाकर खा नहीं पाती थी. तो रईस ने उसकी चोच को भी काटा, अच्छे से फाइल किया और उसके जो नेल्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, वो ढंग से चल भी नहीं पाती थी. उसने उसके नेल्स भी ट्रिम किए हैं. उसके पीछे वाले हिस्से में बिल्कुल भी बाल नहीं थे क्योंकि इतने अंडे दे देकर और पूरा खून जमा हुआ था. रहीस ने बहुत अच्छे से उसकी केयर की है. और उसके जो पैर के नीचे इन्फेक्शन था जिसकी वजह से पूरे हफ्ते उसने ब्लीडिंग की है. हमने उसके एंटीबायोटिक्स भी चलाए थे और काफ़ी सारी और भी मेडिसिन हैं जो कि हमने यूज़ की थी. अब एकदम बहुत बढ़िया हो गई है. वो फॉलो करती रहती है और अगर आप उसके साथ नीचे बैठोगे तो वो आपके सामने एकदम बैठ जाती है. और यू कैन पेट हर एंड शी इज़ आवर चिकन नाउ. तो यहाँ पर आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आई अंडरस्टैंड, ये एक फूड साइकिल है, ये एक नेचुरल लॉ है, समझ में आता है बहुत अच्छे से. आपको इनको एथिकली ट्रीट करना होता है, एटलीस्ट आपको इनको इज्जत देनी होती है. ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर रहे हो इनके साथ. इन द एंड ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. बी एथिकल फर्स्ट, यू हैव टू फॉलो योर एथिक्स. दूसरा, वो जिंदा जीव है, उसको कम से कम इज्जत तो दीजिए जो कि लोग नहीं दे रहे हैं. इस वीडियो का मोटिव बहुत अलग था पर जो कि बहुत अलग हो गया एकदम से. बट या आई एम जस्ट, you know, I don't have any words for this. आपके दिमाग में कुछ भी है तो write that in the comment section below. I'll surely reply. और अगर आपको मुझे connect होना है तो please follow me on Instagram. Instagram का handle मेरे description box पे होगा या screen पर कहीं होगा. So yeah, thank you so much for watching. Please hit the like button अगर आपको ये video पसंद आया हो. And yeah, just take care of your family, your pets and yourself also. अपने आसपास के जानवरों का भी ध्यान रखिए, उनको खाने के लिए दीजिए, उनको थोड़ा सा प्यार कीजिए अगर ज़रूरत है तो. And be wild.